पात्रता परिचय अनुसार खाद्यान्न न मिलने से खाद्यान्न विक्रेताओं के खिलाफ होगा जिले में आंदोलन। पिछोर राशन घोटाले को लेकर जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बीते वर्षों से शिवपुरी जिले की समस्त तहसीलों में राशन घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राशन हितग्राहियों को कहा कि पात्रता पर्ची के हिसाब से आधा अधूरा राशन मिलता है। खाद्यान्न विक्रेताओं ने करोड़ों रुपए का घपला किया है। राशन हितग्राहियों ने जिला पंचायत मनीराम लोधी को सूचित किया है। जिला पंचायत सदस्य द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बार अधिकारी को जानकारियां दी, लेकिन गरीबों के लिए न्याय के लिए कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके चलते 20 जून को शिवपुरी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन आंदोलन के लिए परमिशन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में सूचना दी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लिखित में कोई परमिशन नहीं दी। उनके द्वारा बताया गया कि आप एक दिन पहले सूचित करना, आपकी विधिवत व्यवस्थाएं करवा दी जाएंगी। इसी के चलते 20 जून को गरीब राशन हितग्राहियों को लेकर जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी शिवपुरी में पुराने बस स्टैंड माधव चौक अस्पताल चौराहे होते हुए बाइक रैली शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि इसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं होती है तो आगामी दिनों में कई हजारों की संख्या में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राशन हितग्राहियों के हित में जिला पंचायत सदस्य द्वारा मुख्य मांगे इस प्रकार है। ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर स्टॉक खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन, सत्यापित प्रतिलिपि, दुकान महीने के कम से कम 20 दिन खुली होनी चाहिए। खाद्यान्न वितरण की प्राप्ति हितग्राहियों को दी जाए और राशन पूरा दिया जाए। 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हिसाब से खाद्यान्न वितरण किया जाए। दुकान का स्टॉक खाद्यान्न जब तक पूरा वितरण न हो तब तक अगले माह का राशन दुकान पर उपलब्ध न कराया जाए। जितने भी पूर्व के सेल्समैनों ने खाद्यान्न राशन में घोटाला किया है उन पर तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक कार्रवाई की और दंडित किया जाए। 20 जून में कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में जन आंदोलन के माध्यम से की मांगे रखेंगे। यदि प्रशासन शासन के द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन समस्त तहसीलों के पात्र हितग्राहियों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो राशन माफियों के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ रखी गई है। क्या मामला है? हमारे शिवपुरी जिले के सारे तहसीलों में जो राशन वितरण किया जाता है भारत सरकार की योजना अंतर्गत, पात्र हितग्राहियों को राशन पूरा नहीं मिलता है, वो सारे के सारे महीनों का राशन उपलब्ध नहीं होता है। ये तो बहुत पूर्व से कई वर्षों से चली आ रही है, इसमें आपने आज संज्ञान लेने का क्या मतलब है? वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन वर्षों से मैं पत्राचार भी कर रहा हूँ। जब पत्राचार करते करते मैं थक गया हूँ अधिकारियों से कहते कहते, तो आज मैं आपको बुलाकर अपनी पीड़ा और जनता जनार्दन की पीड़ा आपके सामने बता रहा हूँ कि अधिकारियों के द्वारा हमारे पात्र हितग्राहियों को पूरा राशन नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। और सेल्समैन, इस विषय में जब सेल्समैनों से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि हमारे लिए शासन से ही राशन कम भेजा जा रहा है। अधिकारियों से बात भी क्या बताया प्रशासन से? प्रशासनिक अमले में हमने सबसे पहले प्रथम नंबर पर फूड इंस्पेक्टर जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है हमारी मशीनों में पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए हम उन पंचायतों में माल कम करके दे रहे हैं। उन्होंने ये बात स्वीकार की? बिल्कुल, ये बात स्वीकार की है। और फिर SDM इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने क्या इस संदर्भ में कहा? SDM साहब से इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई SDM साहब के द्वारा नहीं करवाई गई है, जिससे जनता जनार्दन को फायदा हुआ हो। कितने वर्ष हो गए इस मामले SDM के संज्ञान में देने के बाद आपको सुनाऊंगे? कईयों SDM बदल गए। कोरोना काल से यही चला आ रहा है और इनका कहना ये है कि जब तक मशीनें साफ नहीं कर दी जाएंगी, जीरो नहीं कर दी जाएंगी, तब तक ऐसा मामला चलता ही रहेगा। मशीनें साफ होने के पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही? पूर्व में जो रहे सेल्समैन उन्होंने बिना फिंगर लगा ही माल का वितरण किया कि नहीं किया, उनका कहना है किया। कोरोना के वजह से हम घर घर नहीं जा पाए तो हमने ऐसे ही वितरण कर दिया, फिर माल कैसे वितरण कर दिया? मशीन में स्टॉक का क्या मतलब है, क्या होता है? मशीन में स्टॉक का मतलब यह है कि जितना पंचायत की कंट्रोल को आवंटित किया जाता है उतने ही क्विंटल मशीन में स्टॉक दर्शाया जाता है, लेकिन वहाँ की पंचायतों में स्टॉक पूर्व से होने के बाद भी और इनको आवंटन नया जारी भंडार से कर दिया जा रहा है।
क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग ये है कि हम एक जन आंदोलन करने जा रहे हैं सुपरी में। कलेक्टर साहब को भी पत्राचार किया गया था, उस पर कोई कार्रवाई हमें होती नहीं दिखी, तो हमने निर्णय लिया है सभी सहयोगियों से पूछ के और जन आंदोलन शिवपुरी में करने जा रहे हैं। उसकी परमिशन के लिए भी हमें रोजाना चक्कर कटवाए जा रहे हैं एसडीएम महोदय शिवपुरी के द्वारा। उन्होंने जब मैं 12 जून को अपना पत्र देने गया था परमिशन का, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि 5 मिनट का हमें समय दो, हम कलेक्टर साहब से बात कर लें, फिर आपको परमिशन देंगे। मुख्य मांग हमारी रहेगी कि हमारे पात्र हितग्राहियों को जितनी उनकी पर्ची में चढ़ा हुआ है 25 किलो चढ़ा है तो 25 किलो राशन मिले। दूसरी मांग हमारी ये है कि कंट्रोल की दुकान जो है सेल्समैन उसको बराबर 30 के 30 दिन खोल के रखे, यदि 30 दिन नहीं होता है तो 20 दिन जरूर खोल के रखे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जब तक हमारे ग्राम की कंट्रोल में स्टॉक है उसको नया स्टॉक जारी ना किया जाए। जब तक है वो पहले भू वितरण होगा, इसके बाद नया उनको आवंटन दिया जाए। चौथी मांग हमारी है कि हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो सेल्समैन हो चाहे अनुभाग के बड़े अधिकारी हो, उन पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उन पर FIR की जाए। और जो गरीबों का राशन हड़पा गया है और शासन को नुकसान पहुँचा गया है उसका उन पर कार्रवाई करके उस राशन को अब सरकार अपने जब्ती में ले। मांग पूर्ण नहीं होगी 20 तारीख को हमारा छोटा सा जन आंदोलन रहेगा, और अगर पूरी नहीं होगी 20 के बाद 20 जून के बाद तो एक भव्य आंदोलन होगा जो पूरे शिवपुरी जिले के हमारे जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको माल उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, वो सभी लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे और वहाँ धरने पर बैठेंगे। आप भाजपा में है, भाजपा की शासन है, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के जनप्रतिनिधि को ही अगर जन आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं अफसर शाही हावी है या कहीं ना कहीं भाजपा हावी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कोरोना काल के पहले कुछ दिनों के लिए खत्म हो गई थी, और जैसे ही वो खत्म हुई थी उस समय वो भ्रष्टाचार हुआ है 18 महीनों में। वो 18 महीनों के बाद फिर जब हमारे दोबारा सरकार आई, कोरोना काल लग गया, फिर उस समय से वो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार है इसमें। लेकिन वर्तमान में आप भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान में भाजपा की अफसरशाही है। देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूं, किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं। मैं जनता के लिए जन आंदोलन भी करूंगा, जनता की हर बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गुजरूंगा।